अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम फहदरीन, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। टुडे वी डिस्कस द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, उसकी रिफाइनिंग की जाती है कि जैसे उसमें से बहुत सारे कंपाउंड्स को अलग किया जाए। रिफाइनिंग कहा जाता है कि एक ऐसी डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसकी मदद से मुख्तलिफ कंपाउंड्स को उनकी बॉइलिंग पॉइंट्स के बुनियाद पे सेपरेट आउट किया जाता है। एक बड़ा कॉलम होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ फ्रैक्शंस बने होते हैं, उनमें मुख्तलिफ टेम्परेचर पे बॉयल होने वाले लिक्विड उन फ्रैक्शन से जो है बाहर निकलते हैं और उनको सेपरेट आउट किया जाता है। तो अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम डेफिनेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम टू ऑब्टेन मोर कंपाउंड्स इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन लिक्विड स्टेट, कि ऐसे लिक्विड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट्स करीब करीब होती है, उन लिक्विड्स को अगर अलग अलग करना हो तो हम उसको हीट करते हैं और ऐसे कॉलम में हीट करते हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ खाने बने होते हैं, फ्रैक्शंस बने होते हैं, इसी वजह से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। जबकि डिस्टिलेशन जो है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, के बॉइलिंग पॉइंट्स के बुनियाद पे लिक्विड्स को सेपरेट करना जो वाला प्रोसेस है उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अगर उसके अंदर कॉलम्स के अंदर फ्रैक्शंस यूज़ किए जाएँ तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स इन लिक्विड स्टेट ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यूजिंग कॉलम विद फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तब यूज़ होती है जब लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, एक लिक्विड बॉयल हो रहा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा हो रहा है 110.5 है या 111 है, मीन्स के थोड़े थोड़े डिफरेंस के मार्जिन पे अगर लिक्विड बॉयल हो रहे हैं, उन लिक्विड्स को अगर अलग अलग करना है तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जिसको पेट्रोलियम की लैंग्वेज में रिफाइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या जो क्रूड ऑयल है वो 400 टेम्परेचर से भी ज़्यादा पे हीट किया जाता है और मुख्तलिफ कंपाउंड मुख्तलिफ टेम्परेचर पे हासिल होते हैं। 500 से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं वो हासिल हो जाते हैं बिलो 200, मीन्स के 200 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो में ही 500 से ज़्यादा कंपाउंड्स अलग हो जाते हैं। गैसोलीन या पेट्रोल, जो वर्ड यूज़ होता है ना पेट्रोल, उसको केमिकल लैंग्वेज में गैसोलीन कहा जाता है। केमिस्ट्री में गैसोलीन और पेट्रोल एक ही बात है। पेट्रोलियम से ये अलग इस तरह से हैं कि ये गैसोलीन या पेट्रोल जो है वो एक हिस्सा है उस पूरे पेट्रोलियम का या क्रूड ऑयल का। सो गैसोलीन या जो पेट्रोल है वो मिक्सचर हैं दो हाइड्रोकार्बन हैं, हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन में 6 कार्बन वाली अल्केन चेन है और हेप्टेन में 7 कार्बन वाली अल्केन चेन है। तो इनके मिक्सचर को हम गैसोलीन या पेट्रोल कहते हैं। अब जैसे कि गैसोलीन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत व्हीकल, बहुत टाइप्स ऑफ व्हीकल्स में ये यूज़ होता है गैसोलीन, तो गैसोलीन की डिमांड ज़्यादा होने से फ्रैक्शन क्रैकिंग जो है वो फॉलो की जाती है कि जैसे और ज़्यादा कंपाउंड्स उसमें से हासिल हो सकें, जो कि एक और वीडियो है मेरी क्रैकिंग के हवाले से, एक लेक्चर है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो इस पर हम मज़ीद यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे कि क्रैकिंग किस तरह से होती है, मगर ये आपको पता हो कि गैसोलीन की जो प्रोडक्ट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन बहुत कम मिलता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा गैसोलीन मिले क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो फिर हम उसकी क्रैकिंग करते हैं। अब ये एक टेबल है, टेबल फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। मुख्तलिफ टेम्परेचर्स हैं, उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उससे हासिल होने वाली, उनके एक टेबल है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जो कार्बन 1 से 4 कार्बन है, मीन्स के ऐसे कार्बन की तादाद कम होगी, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की तादाद कम होगी तो वो गैस फॉर्म में होंगे मोस्टली और ईजीली पहले वो सेपरेट आउट होंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे और टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। तो नेचुरल गैस जैसे उसमें 94.6% जो है मीथेन गैस है और पेट्रोकेमिकल्स हैं, ऐसे केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद 60 to 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्वेंट है नेफ्ता, वो निकलता है जिसमें 6 से 7 कार्बन होते हैं। 40 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैसोलीन जो है ये खारिज होता है, ये हासिल होता है गैसोलीन या पेट्रोल जैसे हम कहते हैं, जिसमें C5 से C10 है कार्बन। 175 से 325 टेम्परेचर पे केरोसिन जो मट्टी का तेल है और जेट फ्यूल जो जहाज़ हैं उनके अंदर जो फ्यूल यूज़ होता है वो भी C12 से C18 के दरमियान होता है और वो इतने टेम्परेचर पे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से अलग होता है। और 250 से 400 टेम्परेचर पे कार्बन 12 से हायर होते हैं, उसमें डीजल ऑयल निकलता है
और नॉन वोलेटाइल लिक्विड मीन्स के ऐसे लिक्विड जिनमें से वेपर्स खारिज ना हो, थिक लिक्विड होते हैं तो उनमें कार्बन 20 या कार्बन 20 से ज़्यादा एटम्स होते हैं उस एक मॉलिक्यूल में। और ये इसके एग्जांपल ग्रीस है या लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऐसे ऑयल जो फ्रिक्शंस को कम करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे इंजन ऑयल हैं। नॉन वोलेटाइल सॉलिड में कार्बन 20 से ज़्यादा होते हैं, उसमें एस्पाल्ट है जिसमें डांबर है जो रोड वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो वो आप देखें कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से, ये तो मैंने यहाँ पे चंद कंपाउंड्स लिखे हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स इसमें से हासिल होते हैं। तो अब आपने ऑब्जर्व किया कि गैसोलीन जो या पेट्रोल जो है वो जस्ट पार्ट ऑफ इस पेट्रोलियम का एक पार्ट है, फ्रैक्शन है, हिस्सा है, जिसमें से ये कंपाउंड भी उसमें से हासिल हो रहा है। तो पेट्रोलियम का कोई ख़ास फार्मूला नहीं और केरोसिन या गैसोलीन का भी एक फार्मूला नहीं, क्योंकि ये मिक्सचर है, मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। रिफाइनिंग के हवाले से आपने देखा कि किस तरह से उसको सेपरेट आउट किया जाता है। तो रिफाइनिंग इज़ एक्चुअली सेपरेशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, और इस पेट्रोलियम की लैंग्वेज में से हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफिज़।